हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 25 फरवरी 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। ये आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अचीव आईएएस के कई सारे कोर्सेज आते हैं, सारी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के बिल्कुल आपके अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये कोर्स मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है ड्यूल सिटीजनशिप। देखो, सी ए की बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की भी बात हुई कि जिसमें इसकी वजह से कई बार ये सोचा गया कि जो तमिल रेफ्यूजीज हैं, जो श्रीलंका से आए हैं, उनको इसके तहत ड्यूअल सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कर दिया कि ड्यूअल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में नहीं है और हमारा संविधान भी मना करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पोजीशन हमारे ये बिल्कुल साफ है कि किसी को ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होता है? मैं भारत का भी नागरिक हूँ और मैं यूके का भी नागरिक हूँ। दोनों नागरिक, दोनों देशों की नागरिकता मेरे पास है, लेकिन ये चीज़ भारत अलाउ नहीं करता। या तो आप भारत के नागरिक बन जाओ या किसी और देश के नागरिक बन जाओ। तो ड्यूअल सिटीजनशिप हमारी जो है पूरी तरीके से क्लियर है, इस पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। और कोई भी सिटीजन आज की तारीख में ड्यूअल सिटीजनशिप होल्ड नहीं करता, या तो वो मतलब या तो इंडियन सिटीजन ही है या वो किसी और कंट्री का सिटीजन ही होगा। इंडियन सिटीजन इंडियन ही रहता है। और अभी हुआ क्या ओवर, जैसे कि सेंटर ने अभी हाल ही में सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया 2003 में, और उसमें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम भी लाई। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसके क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जान लो कि इसमें भी थोड़ा बहुत ये था कि एक जैसे यूके का कोई है भारत में, अगर उसको ओसीआई कार्ड मिल गया तो कुछ बिल्कुल प्रावधान ड्यूअल सिटीजनशिप जैसा ही है, क्योंकि वो भारत में भी रह सकता है, रहेगा वो यूके का सिटीजन, लेकिन भारत में कुछ फ़ायदे उठा सकता है और कुछ फ़ायदे नहीं भी उठा सकता, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स उसको नहीं मिलेंगे, एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं खरीद सकता। तो ड्यूअल सिटीजनशिप का फुल फ्लैश्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे देश में नहीं है। और अगर देखो, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये चीज़ जो है क्लियर करने काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारा जो तमिल रिफ्यूजी वाला क्राइसिस चल रहा है, बेसिकली श्रीलंका से सिविल वार के दौरान कई सारे रिफ्यूजीज हमारे देश में आ गए, और जो तमिल रिफ्यूजी आए वो हमारे देश के ही थे, जो अंग्रेजों के टाइम पे श्रीलंका में चले गए थे, अंग्रेज ले गए थे, और अब जो है जब उनको कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पर अत्याचार झेलना पड़ रहा है, तो वो लौट के आ गए। अब जो तमिल रिफ्यूजीज़ हैं उनको बात चल रही है श्रीलंका सरकार से भी कि इनको जो है वॉलंटरी तरीके से मतलब रिपेट्रेशन किया जाए। रिपेट्रेशन मतलब इनको वापस भेजा जाए वॉलंटरी तरीके से, कोई फोर्सफुल मेजर नहीं अपना जाए। तो कंसिस्टेंटली केंद्र सरकार ने श्रीलंका से बात की कि ये रिफ्यूजीज़ को वापस ले लो। हालांकि इस पे जो काफ़ी कम स्पीड से काम हो रहा है, और सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप हम उस पे दे भी नहीं सकते, क्योंकि अभी सिटीजनशिप का मसला काफ़ी ख़तरनाक है, और तमिल रिफ्यूजी को सिटीजनशिप देना एक बहुत नया जो है एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। कोशिश ये की जाती है कि जो तमिल रिफ्यूजी हैं उनको काफ़ी कंफर्टेबल सा फील हो, खास करके जो तमिलनाडु की सरकार है, क्योंकि वो तमिल रिफ्यूजी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि वो लोग भी तमिल ही है, तो वो भी काफ़ी लगाव है उनके साथ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर अत्याचार नहीं करें, इनको कंफर्टेबल फील करवाए, क्योंकि और कई बार लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं सरकारों के द्वारा, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ये बात तो सही है कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इलीगल माइग्रेंट ही हैं, लेकिन देखो एक चीज़ आपको पता चल जानी चाहिए कि रिफ्यूजी अलग चीज़ होती है। रिफ्यूजी का मतलब ये है कि कोई भी अत्याचार से बच के, प्रोसिक्यूशन से बच के, या उसको झेल के हमारे देश में शरण लेने आया हो, और हर रिफ्यूजी इलीगल माइग्रेंट नहीं हो सकता। हाँ, इनके पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए इनको इलीगल माइग्रेंट आप कह सकते हैं। तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, वो 2016 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कहा कि ड्यूअल सिटीजनशिप का मसला एक बार देखना चाहिए, क्या हम इन लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप दे सकते हैं कि ये श्रीलंका के भी रहे और भारत के भी रहे, इनकी मर्जी दोनों देशों में कहीं भी रहे। और केंद्र सरकार को भी कई बार सजेशंस भेजे गए, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने भी इस डिमांड को असेंबली में पिछले महीने रखा था, और इसी महीने जो है केंद्र सरकार ने राज्यसभा को क्लियर कर दिया कि भैया इतनी समय से जो डिबेट चल रही है ना ड्यूअल सिटीजनशिप पे, तमिलनाडु की सरकार और
जो माइग्रेंट्स हैं, तमिल रिफ्यूजीज़ है, वो जो आशा लगा के बैठे हैं कि हमको ड्यूअल सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमारा संविधान ना हमारा सीए ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करता है। तो ये डिबेट यहीं ख़त्म होती है, और इस डिबेट को भी ख़त्म करो, इससे आगे कोई बात मत करो, क्योंकि इससे रिफ्यूजीज़ के मन में एक झूठी आशा क्रिएट होती है, एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है कि हमको जो है सब कुछ सही हो जाएगा, भारत में हमारा को सिटीजनशिप मिल जाएगी। हाँ, ज़रूरी है कि हम रिफ्यूजीज़ के साथ एक अच्छे तरीके से ट्रीट करें, अच्छे से रहे, और रिफ्यूजी पे हमारे कोई कानून अभी है नहीं, तो इनको अभी इलीगल माइग्रेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया आए इंडियन अथॉरिटी की परमिशन लेके, अप्रूवल लेके। जी हाँ, ये जो तमिल जो रिफ्यूजीज़ हैं, इनको इंडियन अथॉरिटीज़ ने अप्रूवल दी थी, क्योंकि ये तमिल थे और भारत से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको इलीगल माइग्रेंट कहना सही नहीं है। और जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उनको OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम दे दी जाए, या फिर एक एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म वीज़ा दे दी जाए। अब आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ, CEA की बात करूँ या फिर और किसी भी चीज़ की बात करूँ, तो हमको अभी जो सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे कि अगर हम चाहते हैं, अभी CEA के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था हिंदू में, तो उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि सरकार अगर चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकती है, CA की जगह लॉन्ग टर्म वीज़ा और कई सारे टूल्स अपना सकती है, ताकि जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको एक असिस्टेंस भी मिल सके और उनको सिटीजनशिप भी इस पूरी तरीके से नहीं मिले, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट है ना, तो एक डर बना रहता है। OI सिटीजनशिप जो इस OCI कार्ड वाला जो स्कीम है, ये तमिल रिफ्यूजीज़ के लिए अब कहा जा रहा है कि इनको मिलेगा, और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे जो 95,000 तमिलनाडु में जो तमिल रिफ्यूजीज़ हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उनको कोई इलीगल माइग्रेंट कहेगा, और जो यहाँ नहीं रहना चाहते उनको श्रीलंका की मदद से उनको वापस भेज दो, जो रहना चाहते हैं उनको OCI दे दो, जो नहीं रहना चाहते उनको भेज दो। इसके लिए हमको अभी आसान तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, राइटर ने भी लिख दिया, लेकिन आसान बात नहीं है, क्योंकि दशकों से हम इस पर काम कर रहे हैं, 30 साल से ये इशू चल रहा है। श्रीलंका के साथ हमारी बात होती है, धीरे धीरे होती है, कोई स्कीम अभी तक बनी नहीं है, तो अब एक स्कीम बनानी चाहिए कि इस तरीके से वॉलंटरी रिपेटेशन किया जाए, जो यहाँ नहीं रहते वो जो यहाँ रहना चाहते हैं उनको OCI दे दो, और जो यहाँ नहीं रहना चाहते उनको वापस श्रीलंका भेज दो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होती है ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने OCI को डिफाइन कर रखा है ऐसा पर्सन जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद या तो उस दिन या उसके बाद सिटीजन रहा है इंडिया का, या फिर वो 26 जनवरी 1950 में एलिजिबल था भारत का सिटीजन बनने के लिए, और या वो किसी का बेटा है या किसी का पोता है ऐसे पर्सन का जो इनके अंदर ऊपर वाले जो क्राइटेरिया है उनके अंदर आता हो, ठीक है। अगर उसके पापा या उसके दादा जो ऐसे पर्सन, ऐसी जो कैटेगरी ऊपर मैंने दो बता रखी है, उनके अंदर आते हो। OCI कार्ड रूल्स का सेक्शन 7A कहता है कि कोई भी एप्लीकेंट को OCI कार्ड नहीं मिलेगा अगर उसके सिटीजन, उसके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के सिटीजन रहे तो। और ये 2005 में सरकार के द्वारा लाया गया था। 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के जरिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को OCI कैटेगरी के साथ मर्ज कर दिया, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जितने भी बेनिफिट्स थे वो अब OCI कार्ड होल्डर्स को मिलेंगे, दोनों को मर्ज कर दिया गया। बेनिफिट्स क्या हैं, OCI कार्ड होल्डर क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत UK में कोई नागरिक है, भारत में रहना चाहता है, OCI कार्ड दे दो, तो इससे क्या वो सिटीजन हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसको एक कार्ड मिल जाएगा, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, और ये भारत में कई बार एंटर भी कर सकता है इसके मदद से, और इसको फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर कराने से भी छूट मिल जाती है। एक सबसे बड़ी छूट यह है कि 5 साल तक अगर किसी के पास OCI कार्ड है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सारे इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनको स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर से नहीं गुजरना पड़ता। OCI कार्ड होल्डर्स को एज ए सिटीजन के तौर पर ही जो उनके साथ सारे कार्य होते हैं, और स्पेशल बैंक अकाउंट्स भी वो खुलवा सकते हैं इंडिया में। नॉन फार्म प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं खरीद सकते, नॉन एग्रीकल्चर लैंड वो खरीद सकते हैं, ओनरशिप राइट नहीं ले, और ओनरशिप राइट भी ले सकते हैं, पर नॉन फार्म प्रॉपर्टी ध्यान रखना,
और परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड जो होता है ना आपका, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेशन, वोटिंग राइट नहीं मिलते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। मैं रिपीट कर दूँ, वोटिंग राइट नहीं ले सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं जा सकते। ये चीज़ जो मैं आपको हमारे HUIS के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तब आप उसको और भी अच्छे से पढ़ सकते। ये वाला आर्टिकल डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ये हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे लिए सबसे अच्छा आर्टिकल वो ये है, द अनसेंबल कीवर्ड्स फॉर द जुडिशरी। अच्छा, ये देखो, इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 चल रही थी, उसमें एक हमारे जो जस्टिस अरुण मिश्रा थे, उन्होंने मोदी जी की तारीफ़ की और इंटरनेशनल पब्लिक फोरम में तारीफ़ की। तो राइटर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, कि क्या जुडिशरी वाकई में इंडिपेंडेंट है, और क्या किसी कोई भी जो जुडिशियल जो अपन जो जजेज हैं वो इस तरीके से पब्लिक में प्रेस कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को। ये सारे सवाल जो है उठाए गए। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हुए राइटर कई सारे आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। कई सारे केसेस में, कई सारे जजमेंट्स में ये कहा गया कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जो जजेस होते हैं उनका एथिकल कैरेक्टर होना चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए उनमें, और बिल्कुल जो पॉलिटिक्स है उनसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और कभी भी पॉलिटिक्स, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो चाहे वो कोई भी पावर हो, उनके नीचे नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो भी है भारत के लोगों में, जिसका भी, जिनमें जो भी विश्वास है वो जजेस में है, और आज ये बात साफ सही बैठती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबका विश्वास है, सबका भरोसा है। इस फेथ को इरोड नहीं होने देना चाहिए। इंडिया के जो जजेस हैं उनको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रखना चाहिए, पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हुई थी, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने भी ये बात कही कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास आज हमारे इतनी पावर है कि वो डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह बन सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात कही गई थी। तो लेकिन इसलिए ये ज़रूरी है कि जजेस बिल्कुल अलग रहे, जुडिशरी बिल्कुल अलग रहे, ताकि ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको टेस्ट किया जा सके समय समय पर, और इसके लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंस होनी भी ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जो है लिख सकते हो। इसमें कुछ केसेस के नाम भी है जो आप लिख सकते हो, जैसे 1995 में सी रविंद्र चंद अय्यर वैसे जस्टिस एम भट्टा चटर्जी, इन्होंने कहा था कि किसी भी जज का जो कंडक्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, वो किसी भी साधारण आदमी से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जजमेंट्स का आप नाम ले सकते हो, और आपको जो है कुछ ज़्यादा नहीं लिखना इसमें, बस ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। जैसे एक ये केस है, एक ये वाला केस है, जैसे आर मुथु कृष्ण वर्सेज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ एट मद्रास, इन्होंने लिखा था कि जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो ज़रूरी है लोगों के प्रिविलेज के लिए और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ये कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स अपनी आप कॉपी में लिख सकते हो, जब भी अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप आराम से जो है डाल सकते हो। द इशूज अराउंड डाटा लोकलाइजेशन, देखो डाटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है। डाटा लोकलाइजेशन बेसिकली, अब इस पर डिबेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिल जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वो जॉइंट कमेटी में गया हुआ है, और वहाँ पे जो है इसका चल रहा है अभी डिस्कशन। अब इसमें इशूज़ ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कैटेगरी है डाटा की, एक आपका पर्सनल डाटा हो गया, एक आपका सेंसिटिव डाटा हो गया, और एक क्रिटिकल सेंसिटिव डाटा। तो पर्सनल डाटा को तो आपसे परमिशन लेके कोई भी कंपनी आपका यूज कर सकती है, जैसे आपने फेसबुक पे फोटोज़ वगैरह अपलोड की या कुछ भी की। एक होता है सेंसिटिव डाटा, क्रिटिकल सेंसिटिव डाटा, इस पे जो है यहाँ पे सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, और भारत में इसकी कॉपी रहेगी। अब ये बिल है, बिल एक्ट नहीं बना और जॉइंट कमेटी में गया हुआ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इसके प्रोविजंस को केवल ये जानना जरूरी है कि डाटा प्रिंसिपल क्या होता है। डाटा प्रिंसिपल होता है जिसका डाटा हो, डाटा फिड्यूशरी क्या होता है, जिसका जिसके पास डाटा हमारा हो। जैसे मैं डाटा प्रिंसिपल हूँ और मैं अगर फेसबुक चला रहा हूँ तो डाटा फिड्यूशरी फेसबुक हो गया। ये कुछ कॉन्सेप्ट से याद रखना है, ठीक है। बाकी तो ये बिल है तो इसमें चेंजेस आते रहेंगे, तो जब तक ये बिल एक्ट नहीं बन जाता तब तक इसके बारे में कुछ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। लेकिन आपको प्राइवेसी और डाटा लोकलाइजेशन के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि मेरे देश का डाटा, मेरा डाटा, मेरे इंडिविजुअल डाटा, मेरा जो भी डाटा, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे क्रिटिकल सेंसिटिव हो, चाहे वो पर्सनल डाटा हो, वो मेरे पास ही रहे, हमारे देश में ही रहे, कोई भी फॉरेन एंटिटी इसको एक्सेस नहीं कर सके, बाहर विदेश में ही नहीं जाए। फेसबुक
के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा है। ये डाटा वो कहाँ स्टोर करता है? ये डाटा वो अपने डाटा सेंटर्स में स्टोर करता है। डाटा सेंटर्स कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया हो गया, कई जगह है जहाँ पे इसके डाटा सेंटर्स हैं जिसमें दुनिया भर के लोगों का डाटा है। अब डाटा लोकलाइजेशन के प्रोसेस की मदद से वो डाटा वहाँ नहीं जाएगा और देश में ही डाटा रहेगा। इसके फायदे, सरकार कह रही है कि पहली बात तो कोई फॉरेन जो कंट्री है वो इन्वेजन नहीं कर सकते हमारे डाटा का, डाटा में सेंध नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यूएसए में वो डाटा है फेसबुक के पास तो हो सकता है यूएसए की सरकार जो है इंडियंस का डाटा चुरा ले। तो जब तक भारत में है तब तक कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लोगों का डाटा लोगों के पास रहेगा और परमिशन के तहत ही वो डाटा बाहर भी जा सकता है। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि डाटा लोकलाइजेशन की इतनी जो है यहाँ पे जो इतना किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सही नहीं होंगे, अगर सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं होंगे, तब तक डाटा लोकलाइजेशन करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश के अंदर भी कुछ कंपनियां इनका मिसयूज कर सकती हैं। और डाटा लोकलाइजेशन से दूसरी बड़ी समस्या आती है कि डाटा जो भारत में स्टोर करके रखेंगे हम, उससे डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो डोमेस्टिक सर्विलियंस भी सिटीजंस के ऊपर होता है, जैसे चाइना वाले चाइनीज जो लीडर्स हैं वो चाइनीज़ लोगों पर करते हैं, वैसे हमारे देश में भी हो सकता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि देश में साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अच्छे बने, साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा अच्छी तरीके से रहे। अभी आपको पता चला कुंडकुल्लम में हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर सिक्योरिटी अटैक हो गया, बताओ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो हमारा डाटा तो क्या ही चीज है। तो डाटा की जो है पहले सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अच्छे हो, फिर डाटा लोकलाइजेशन पर ध्यान रखा जाए। एक यहां पे राइटर एक पॉइंट यहां पे ये भी कह रहे हैं कि अगर हम डाटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं तो जब तक हमारे देश में स्टोरेज सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक बाहर ही डाटा रखना सही है। यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में डाटा रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेक्शन लॉज हैं वो काफी स्ट्रांग है और चाइना जो है जैसी कंट्रीज वहां पे सेंध नहीं लगा सकती, डाटा को नहीं चुरा सकती। तो जब तक भारत में सुटेबल प्रोटोकॉल नहीं बन जाता तब तक बाहर डाटा रखा जाना सही है। लेकिन कल ही अपन ने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें अपन ने कहा था, कल या शायद परसों, कि भारत में जो प्रोटेक्शन जो लॉस तो है नहीं डाटा के तहत, अब आ रहा है बिल चल रहा है, बिल एक्ट बनेगा तब कानून आएगा। यूएसए में ऑलरेडी है, लेकिन यूएसए में भी कई लूप होल्स है, ये पढ़ा था मैंने कि कई लूप होल्स यूएसए के डाटा प्रोटेक्शन लॉ में है, तो उन पर भी हमको निर्बंध नहीं रहना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं डाटा लोकलाइजेशन के, आप फेवर में अगेंस्ट में डाल सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आए तो आप अपनी जो है ये मैंने पॉइंट्स बताए आप डाल सकते हैं। ये अच्छा आर्टिकल मुझे लगा, यूएस स्ट्रेटेजी ओनली मीन टू आइसोलेट चाइना, क्योंकि देखो इंडो पैसिफिक का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक की ये चीज़ जो है अभी कुछ ही सालों में आई है, जब बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने अभी हाल ही में 2017 में कुछ रिपोर्ट्स निकाली है कि उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है क्या। इंडो पैसिफिक एरिया आपको पता है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला, इसके ऊपर रिपोर्ट्स आई, फैक्ट शीट आई यूएसए सरकार की कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी पे काम करेंगे लोग। अब राइटर यहाँ पे क्रिटिकल है पूरे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो यूएसए की जो स्ट्रेटजी है ये सही नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें ये बात कर रहे हैं फ्री फेयर रेसिप्रोकल ट्रेड की, फ्री रहे फेयर रहे और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी उस कंट्री के साथ ट्रेड करें, ये जो टर्म्स हैं वो डिफाइन नहीं हुई। क्योंकि फ्री ट्रेड क्या होता है, चाइना भी फ्री ट्रेड की बात करता है, फेयर ट्रेड क्या होता है, चाइना भी फेयर ट्रेड की बात करता है, तो आप यूएसए अलग क्या कर रहा है चाइना से। और हंड्रेड्स ऑफ पेजेस इनकी रिपोर्ट में इन तीनों शब्द का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। तो यहाँ पे राइटर यहाँ पे जो है सवाल उठा रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट चाहती क्या है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम पे, क्या वो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया इंडिया और जापान को यूज़ करना चाहती है चाइना का आइसोलेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा है, राइटर के मुताबिक कुछ भी इसमें अलग नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपोज किया चाइना के, और इस इनिशिएटिव को दुनिया के 70 देशों ने ज्वाइन कर लिया। इस इनिशिएटिव को 2013 में चाइना के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जिसमें चाइना को जो है वेस्टर्न कंट्रीज से उठकर चाइना एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में आया जाएगा, और मिडिल ईस्ट में भी जो है पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, मार्केट्स बना देगा, रोड्स बनाएगा, ताकि जो है चाइना अच्छी तरीके से कंट्रीज में ट्रेड कर सके। अफ्रीका में भी ये जो है प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से चलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज जो है इसमें शामिल नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज को ये पूरी तरीके से इसमें शामिल नहीं है। एशिया और मिडिल ईस्ट से ही गुजरेगा बेल्ट एंड रोड जो बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा, और चाइना अनुमान है कि चाइना इस पर 1.3 ट्रिलियन डॉलर का स्पेंडिंग करने जा रहा है। सऊदी अरेबिया जो कि यूएसए का एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सऊदी विजन है 2030 प्लान जो है उसके अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंस उसमें है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के जिंगजियान से पाकिस्तान के ग्वादरपोर तक जाता है। और इस पे भारत ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं, क्योंकि बीच में कश्मीर से गुजर के भी जाता है पीओके से। तो यही एक सबसे बड़ी इशू है जिसकी वजह से भारत ने ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ज्वाइन किया, और इसका जो ऊपर वाला जो प्लान है सबसे बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको भी ज्वाइन नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने तो पूरी तरीके से इसको जोड़ लिया। सऊदी अरेबिया ने ग्वादर पोर्ट को भी $10 बिलियन में जो है डेवलप करने की कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट देने की कोशिश की है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि 70 कंट्री भी जुड़ चुकी है, और जो अमेरिका के दोस्त हैं वो भी इनमें जुड़ चुकी हैं। इंडो पैसिफिक फोरम बिजनेस फोरम की अगर मैं बात करूँ, चलो ठीक है, चाइना ने तो काफ़ी अच्छा जो इन्वेस्टमेंट करने की सोची, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ये कर भी रहा है। यूएस गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी इसके इन्वेस्टमेंट में अगर मैं बताऊं, जितने भी एशिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, इसके जो मिलीनियल चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत ही इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, और ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, सारा अगर मैं पैसा मिला दूं, तो यहां पे यूएस जितना भी पैसा लगाना चाहता है वो चाइना के मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि अमेरिका के ट्रंप का एक ही मोटिव रहा था, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, और इसी वजह से वो इतना पैसा नहीं लगाना चाहते एशिया में जितना पैसा BRI के द्वारा चाइना में लगाया जा रहा है। तो US फिर इतना क्यों इंडो पैसिफिक पे ध्यान दे रहा है जब वो अमेरिका फर्स्ट करता है, पैसा लगाना नहीं चाहता। तो तीसरी चीज़ तो यही बचती है ना कि मिलिट्री भाई, या तो वो कोई भी कंट्री आपस में ट्रेड करती है तो या तो वो एक दूसरे को जो है इकोनॉमी वाइज डेवलप करना चाहती है, या फिर मिलिट्री क्लेम की वजह से। अभी जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को जो है यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की, लोन दिया, श्रीलंका सरकार चुका नहीं पाई तो हम्बनटोटा पोर्ट को खरीद लिया। वैसा थोड़ी था कि चाइना ने फोकस किया था श्रीलंका पर कि ट्रेड काफ़ी अच्छे से हो जाए, दोनों देश जो है काफ़ी, इतना कुछ फ़ायदा श्रीलंका से मिलता नहीं। तो मिलिट्री का प्रोस्पेक्ट लेके चाइना गया, उस बेस पे जो हम्बनटोटा पोर्ट पे कंट्रोल कर लिया, अब वहाँ पे जो है अपने उस सैनिक उतारे, जवान उतारे, श्रीलंका उस पे कुछ भी नहीं कर सकता। नेपाल भी अभी डिबेट कर रहा है कि ये जो USA का MCC है उसके तहत $500 मिलियन ले कि नहीं ले, क्योंकि इसकी वजह से USA क्या करेगा भाई, कोई भी पैसा पेड़ पे तो उगता है नहीं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अगर चाइना लोन दे रहा है, यहाँ पे पैसा लगा रहा है, तो वो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, और वो ले भी रहा है। कई कंट्री फंस भी चुकी है इस चक्कर में, पाकिस्तान को पूरी तरीके से फंस चुका है। तो नेपाल की गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी शक के तौर पर देख रही है, चाहे वो USA हो चाइना हो, कि आखिर USA जिस तरीके से काम कर रहा है तो USA पैसा देगा भी, तो US बेस तो बनाए गई, ट्रुप्स तो दे गई है ना, ट्रुप्स तो कह सकता है USA कि हमने आपको लोन दिया कि हमारे जवान यहाँ पे उतारने दो हमको। तो चाइनीज़ जो नेपाली गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है। और नेपाल में हाल ही में यूरेनियम का रिजर्व भी पाया गया, तो इस पर US की भी नज़र है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो ये एक तो पहला पॉइंट ये मिल गया आपको कि USA क्यों चाइना, एक तो सबसे पहली बात तो कि जितना पैसा चाइना लगा रहा है उतना पैसा USA नहीं लगा रहा। दूसरी बात, USA गवर्नमेंट एक आर्ग्यूमेंट कर रही है कि ये जो है ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे विश्वास रखती है, जो चाइना के अंदर नहीं है। क्योंकि चाइना में रिप्रेशन हो रहा है, किसका रिप्रेशन हो रहा है, जिंगजियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स का हो रहा है, चाइना में रिप्रेशन हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है USA और कहता है कि हम ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं। और USA का इतिहास ये बताता है कि USA ना तो ट्रांसपेरेंट रहा था, ना ऐसी बात तो नहीं है कि USA लोन दे दे के ब्याज माफ़ कर देगा भाई। USA कह रहा है कि चाइना जो है श्रीलंका को, बांग्लादेश को पैसा दे दे के, और कंट्रीज को पैसा दे दे के डेब्ट डिप्लोमेसी कर रहा है, और एक डेब्ट क्रिएट कर रहा है, ब्याज के चक्कर में फंसा रहा है, डेब्ट ट्रैप में कंट्रीज को फंसा रहा है। तो क्या USA जब पैसा देगा और जब वो देने की बात करता है तो उससे क्या ब्याज नहीं लेगा, कंट्री के डेब्ट में नहीं जाएगी, जाएगी, पैसा पेड़ पे दुखता है नहीं। तो दूसरा पॉइंट तो ये कि USA जब ट्रांसपेरेंसी की बात करता है तो ये बहुत इसका इतिहास देख के हार्डली इमेजिन हम कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट होगा। तीसरी चीज़, USA गवर्नमेंट डेब्ट का इस्तेमाल तो करेगी ही, और ये चीज़ प्रूव होती है कैसे कि जब थर्ड वर्ल्ड डेब्ट क्राइसिस हुआ था 1980 में, तब देखा गया था कि USA ने भी कुछ इसी तरीके का काम किया था। इतिहास गवाह है कि USA भी डेब्ट में फंसा सकता है कंट्रीज़ को। तो तीन पॉइंट आपको मिल गए कि कैसे US की जो चाइना की स्ट्रेटजी को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चौथा पॉइंट, USA अगर कह रहा है कि हम जो है वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं और पूरी तरीके से जो है चाइना के आगे, चाइना से ज़्यादा हम काम करना चाहते हैं, मल्टीलेटरल डील्स में हम इंटरेस्टेड हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल ट्रेड को
फ्री और फेयर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ फिर इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से ये बाहर हो गया और ऑस्ट्रेलिया और जापान नाराज होकर रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लिए। तो ये आपको पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया कि क्यों यूएसए की जो यूएस पूरी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना वो भी आप डाल सकते हैं, है ना। यूएसए की जो मिलिट्री पैसिफिक कमांड है उसको हाल ही में 2018 में इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया गया। ये भी एक सबूत है कि क्यों जो यूएसए है वो एक मिलिट्री एस्पेक्ट देख रहा है, वो केवल और केवल ये देखना चाहता है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक में मिलिट्री की प्रेजेंस यूएसए की रहे, चाइना के जितने भी वारशिप हैं उससे ज़्यादा यूएसए के वारशिप रहे, चाहे वो कितना फ्री और फेयर ट्रेड वार का नाम दे दे, इसमें मिलिट्री जो है जुड़ी हुई है। और यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2017 की, उसमें भी ये कहा गया है कि चाइना यूएसए को इंडो पैसिफिक रीजन में पछाड़ रहा है और यूएसए धीरे धीरे पीछा होता जा रहा है। तो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है वो केवल और केवल इंडियन पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, एशियन रिम में यूएसए की जो डोमिनेंस उसको बढ़ाने के लिए है। इसकी वजह से एशिया में वार होने की संभावना भी है जो कि मिडल ईस्ट में हो रही है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करूँ, इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली, बॉडी की हमने बात कर ली, इंट्रोडक्शन जो इस आर्टिकल वाला था वो जरूरी है। मेंस में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि यूएसए जो है फ्री फेयर ट्रेड की बात करता है और जो रिपोर्ट भी है लेकिन इसमें कोई है नहीं एक्सप्लेनेशन, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या है वो बता देना। बॉडी की हमने बात कर ली कि आप मेंस में समझा सकते हैं कि कैसे यूएसए जो है इसमें मिलिट्री एस्पेक्ट जोड़ के देख रहा है और किस तरीके से चाइना के सामने अभी भी जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टिव नहीं ला पाया, या फिर चाइना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में हरा क्यों नहीं पा रही है। ये सारे, इन सब क्वेश्चनों के आंसर इस आर्टिकल में आपको मिल गए होंगे। जैसे जैसे मिलिट्री एस्पेक्ट इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, और बढ़ता भी गया, ऑस्ट्रेलिया और जापान यूएसए से दूर होते गए। जापान ने इंडो पैसिफिक का यूज़ तो लिया लेकिन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल वो नहीं करता, स्ट्रेटेजी जो शब्द है वो नहीं जोड़ता। ऑस्ट्रेलिया ने भी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना के साथ ज्वाइन कर ली। अभी तो केवल इंडिया ही है जो यूएसए के साथ बिल्कुल लॉयल है, और यूएसए के प्रेसिडेंट भी अभी आए हैं, कुछ भी नहीं आए, केवल राइटर के मुताबिक ये आए हैं एक बैग के साथ जो कि फुल ऑफ ट्रिक्स हैं, यानी कि भारत सरकार भारत को फंसाना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर। और जितने भी यूएस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, जितने भी स्पीसीज आए हैं, उसमें ये बात नहीं दे रखी कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या है भाई, चाइना को रोकने की कोशिश आप करोगे लेकिन कैसे। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। कंक्लूजन तो यही है कि इंडिया को एडवाइस किया जाए कि वो जो है डायरेक्ट इस स्ट्रेटेजी में जंप ना हो, पहले देखें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है कि हम किसी के दबाव में आके फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाए। जैसे अगर हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में अगर हम जुड़ जाते हैं तो हमको चाइना के अगेंस्ट होना पड़ेगा, यूएसए के साथ अगर हम जाएंगे तो चाइना के अगेंस्ट होना पड़ेगा, रशिया के अगेंस्ट होना पड़ेगा, और इससे हमारी जो नेबरहुड है उसमें थोड़ा जो है डिसरप्शन आता है, क्योंकि चाइना को हम नाराज़ नहीं कर सकते, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। एक आपको एग्जांपल बताऊं, रशिया ने भी अभी रशिया के भी ऑफिशियल ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्या होता है, एशिया पैसिफिक इस्तेमाल करो ना, इंडो पैसिफिक क्या होता है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यानी इंडो पैसिफिक में इंडिया का नाम जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इस वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो चाइना को चीज़ पसंद नहीं आ रही और चाइना के करीब रशिया जा रहा है, तो रशिया ने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही, हम यूएसए की तरफ जा रहे हैं। हम पहले की जैसे ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से रशिया की तरफ भी जा रहे थे और यूएसए की तरफ भी जा रहे थे। तो यूएसए की अगर हम एली बनना चाहते हैं तो इससे एशिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, एशिया जिस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो आरसीईपी के तहत हो चाहे वो कैसे भी हो, वो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देंगे। तो यूएसए का दोस्त बनना बहुत बड़ी कॉस्ट हमारे लिए लेके आता है, ये चीज जान लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, गन्स गैस टेक्नोलॉजी, अभी इस आर्टिकल में बात हो रही है कि इंडिया और यूएसए मिलकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो दो आपको देखो, द हिंदू की खासियत यही है कि एक में आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, एक में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिल गए, और दोनों आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हो। और इसमें कुछ ही नहीं, इस आर्टिकल में जो भी है वो आप एक डायग्राम में बना सकते हो। कैसे, मैं बताऊंगा। जैसे कि अभी कुछ पढ़ लो, ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी मिले और मिलते रहते हैं, G7 और G20 यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली मिलते रहते हैं, दोनों कंट्री काफ़ी कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल टेररिज्म में, और काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किया भी, जैसे कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा, और दोनों मिलकर इस चीज में काम कर रहे हैं। अब इसका डायग्राम बना सकते हो आप कि एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं,
ठीक है। और हाल ही में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का कैटेगराइज किया है और उसको स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन वन का स्टेटस भी दिया है। दोनों के देशों के बीच में ट्रेड काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। 2018 में $142 बिलियन था और कोशिशें की जा रही है 2030 तक $500 बिलियन लेके जाएं, और 2019 में तो ये फिगर और भी ज़्यादा आगे हो गए होंगे क्योंकि $142 बिलियन वाला जो फिगर है 2018 का है। इंडिया ने हाल ही में घोषणा की कि इंडिया यूएसए से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा और एयरक्राफ्ट परचेज भी अभी करेगा। वो सी होक जो हेलीकॉप्टर्स थे 24 वो तो ये भी जो है हम परचेज करेंगे। तो हम दोनों के जो ट्रेड है वो काफ़ी आगे जाके अब बढ़ने वाले हैं। और एफडीआई के बारे में बात करूं तो यूएसए हमारा पांचवा फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है जो एफडीआई का, जो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है भारत में एफडीआई का? सिंगापुर, याद रखना, ठीक है। तो यूएसए की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज भारत में काम कर रही है, एफडीआई भी लेके आई है। $28 बिलियन का एफडीआई कम्युलेटिव स्टॉक एफडीआई का हमारे पास है। इन यूएसए कंपनीज हमारे कई सेक्टर्स में काम कर रही है, चाहे वो एविएशन हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस हो। और हाल ही में देखा गया एक सर्वे के मुताबिक कि 86% जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो सर्वे था उसमें देखा गया कि यूएसए की जो कंपनियां हैं उनमें 86% भारत के मार्केट के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए वो बुलिश उनका जो है आउटलुक है। बुलिश मतलब एक होता है बियरिश, एक होता है बुलिश। बुलिश मतलब बुल होता है ना आपका जो सांड होता है उसको बुल, ठीक है। और बियरिश यानी भालू वाला। बुलिश मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि भारत की स्टॉक मार्केट बुलिश है, यानी कि भारत का स्टॉक मार्केट आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव आउटलुक। और बियरिश मतलब नीचे जा रहा है, नेगेटिव आउटलुक। तो यूएसए की फर्म्स 86% यूएसए की फर्म्स भारत के लिए पॉजिटिव देखती है कि आगे आने वाले टाइम पे हम एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बनेंगे और यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है। और इसके बदले में यूएसए को क्या मिल रहा है? यूएसए में भारत की कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। $18 बिलियन की हमने जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट क्रिएट की है, 113,000 जॉब्स हमने क्रिएट किए हैं, हमने भी वहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, हमने भी वहां पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया है और हमने वहां पे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम किया है। और अब हम दोनों मिलकर 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड लेके जाएंगे और दोनों देशों के जो बिजनेसेस हैं वो एक साथ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, जॉइंट स्ट्रेटजीज हम करेंगे ताकि इश्यूज सोल्व करें और बिजनेस आगे बढ़े। दो प्रॉमिसिंग सेक्टर हमारे दोनों देशों के लिए सबसे जरूरी है, वो है एनर्जी और डिफेंस। डिफेंस में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, चाइना का थ्रेट बढ़ते जा रहा है, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो लद्दाख हो, तो डिफेंस में हम मिलकर काम कर सकते हैं यूएसए के साथ। और आने वाले टाइम पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एनर्जी पे भी काम करना जरूरी है, तो एनर्जी के साथ भी हम यूएसए के साथ काम कर सकते हैं। और यूएसए में हमने हाल ही में लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने की कोशिश की, तो ये भी एक जो है इशारा है कि हम एनर्जी पे अब यूएसए पे डिपेंड रहना चाहते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के मामले में यूएसए के 6th लार्जेस्ट बायर हम हैं। ये डाटा आप अपने मेंस कॉपी में लिख सकते हैं, मेंस के आंसर में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। वरना पॉइंट्स कॉन्सेप्ट याद रखो, पॉइंट्स याद रखो कि एनर्जी सेक्टर कहाँ के, आप डायग्राम बना सकते हो आप, जैसे कि इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप में कौन कौन से सेक्टर जो एक साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। एनर्जी हो गया और आपका डिफेंस हो गया, और आपके जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आप काम कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हो। ये सारे सेक्टर जो आपको दिख रहे हैं ना वो आप काम कर सकते हो। इसको देखते हुए यूएसए ने, हम दोनों ने मिलकर 4 वर्किंग ग्रुप भी सेटअप किए, ऑयल और गैस के लिए अलग किया, एनर्जी इफिशियंसी के अलग किया, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अलग किया, एनर्जी जो है के लिए अलग किया, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो कि यूएस, इंडिया और यूएसए कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, और हम जो है डिफेंस में, एनर्जी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, और डिफेंस सेक्टर में भी हम काफ़ी अच्छे से और काम कर सकते हैं। और हाल ही में जिस तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव चल रहा है भारत और यूएसए का, जिसमें हम जो ये 2+2 डायलॉग से निकल के आया, इसमें भारत यूएसए के साथ मिलके क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया के साथ मिलके बनाई, वैसे यूएसए के साथ मिलके भी हम कुछ कर सकते हैं। और एफडीआई के चक्कर में तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, इंडिया की एस्पिरेशन काफ़ी अच्छी है कि यूएस कंपनीज काफ़ी एफडीआई यहाँ पे करेंगी डिफेंस सेक्टर में खासकर। इससे हमारा डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, हमारा जो है काफ़ी एफडीआई आएगा, क्योंकि हमारे बजट की कमी है, डिफेंस सेक्टर में हम ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। और इसी वजह से हम रशिया से जो S-400 जो डील थी वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो हम अभी नहीं ला पाए हैं, ठीक है। यूएस कंपनी भी इंडियन बिजनेस के साथ मिलकर काम कर सकती है। ये सेक्टर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे इंडिया यूएसए की बायलैटरल रिलेशनशिप में, आने वाले सालों में सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। और हम अगर नॉलेज इकोनॉमी बनना चाहते हैं, एन एस्पिरेशनल नॉलेज इकोनॉमी कैन बी इन्विजेंट एज द वे फॉर द पार्टनरशिप अहेड। नॉलेज इकोनॉमी भारत बनना चाहता है। नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ये बेसिकली सारे सर्विसेज, मोस्टली जो लोग हैं सर्विसेज सेक्टर में काम करें और नॉलेज काफ़ी अच्छी रहे, और मतलब एक तरीके से स्किल्स रहे जो आने वाले टाइम है, जो अभी टाइम चल रहा है और जो फ्यूचर में डिमांड होगी। जैसे कि नॉलेज इकोनॉमी में क्या होता है, नॉलेज इकोनॉमी में लोगों को जानकारी रहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, और भी सेक्टर्स की। तो और इस मामले में भारत काफ़ी आगे चल रहा है, माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत सारे देशों को पछाड़ सकता है।
यूएसए को भी बचा सकता है, लेकिन अभी कहना ये मुश्किल है। लेकिन यूएसए के साथ अगर हम काम करें और ये देखें कि यूएसए ने यूएसए की जो टॉप 1200 ग्लोबल कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, क्योंकि वो हमारा जो कॉम्पिटिटिव टैलेंट, भारत में जो स्किल्ड लोग हैं, कॉम्पिटिटिव जो लोग हैं, जिनमें इतना बहुत अच्छा टैलेंट, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी भी है भारत की कंपनियों के लिए, यूएस की कंपनियों के लिए, ताकि हम दोनों देश एक दूसरे देशों की जो जनता है उनको डेवलप करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे अब आता जाएगा, बिजनेसेस में आता जाएगा, तो इंडिया और यूएस पे मिलकर काम कर सकते हैं। तो एनर्जी, डिफेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डायग्राम में बना के आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ स्टार्टअप्स में भी आप कर सकते हैं, स्टार्टअप कोलैबोरेशन का भी आप एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में 4-5 चीज़ें लिखेंगे कि इंडिया और यूएसए के बीच में ये सेक्टर्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छा हम काम कर सकते हैं, मेंस में आपको बहुत अच्छा इसमें मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोशिश करें तो हम आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्टअप जो कोलैबोरेशन हुए उसमें सब पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में तो मिलके हम स्टार्टअप्स में भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं और दोनों को मिलके जो है यहाँ पे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आपको इस आर्टिकल में मैंने बता दी। अच्छा, नोट फेयर जस्ट और रीजनेबल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस प्रैक्टिकली सेक्रीफाइस ड्यू प्रोसेस इंटरेस्ट एट द एल्टर ऑफ क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल करने की बात करते हैं हम, और इस पे आर्टिकल 22 का नाम आता है, जिसमें आपका एक तो पनिशिटिव डिटेंशन है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। पनिशिटिव डिटेंशन मतलब किसी ने कोई जुर्म किया, उसका कोर्ट में ट्रायल किया, तो उसको सजा दे दी। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हुआ, देश के लिए किसी को खतरा माना, ना उसका ट्रायल किया, ना उसको कोर्ट लेके जाए, उसको जो है सीधे हमने जो है कैद करके रख लिया। आर्टिकल 22 इसकी बात करता है, और इस आर्टिकल में केवल इसी चीज़ की बात हो रही है कि जिस तरीके से जो कश्मीर में लोगों को, जो लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के नाम पे, जिसमें डिटेंशन किया जा रहा है 2 साल तक, इनको बिना ट्रायल के कोर्ट में ले जाए 2 साल तक कैद करके रख सकते हैं इस एक्ट के अंदर। बेसिकली ये एक्ट जो था पीएसए एक्ट, ये कश्मीर में आया था जो इलीगल जो यहाँ पे स्मगलर्स थे टिम्बर के उनको रोकने के लिए, लेकिन अब ऑर्डिनरी सिटीजन्स और लीडर्स पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रिवेंशिव डिटेंशन लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, कि क्राइम को कंट्रोल करने के चक्कर में हम कितना जो है यहाँ पे ड्यू प्रोसेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ड्यू प्रोसेस मतलब लॉ को, एक लॉ का जो प्रोसीजर होता है, भाई हमारे देश में अगर जैसे मान लो, अगर मैं पनिशिटिव डिटेंशन की बात करूँ, किसी ने इधर जुर्म किया तो पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो उसको पहले कारण बताएंगे कि तुझे अरेस्ट क्यों किया, फिर उसको एक वकील से मिलाएंगे, जरूरी है, राइट है उसका आर्टिकल 22 के अंदर, और फिर उसको एक 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। हाँ, कुछ जर्नी में टाइम लग गया तो ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर। और अगर 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट से नहीं मिले, मजिस्ट्रेट आगे का डिटेंशन अलाउ नहीं करे, तो 24 घंटे के अंदर छोड़ देना चाहिए, और मजिस्ट्रेट कह दे हाँ इसने जुर्म किया है, इसको जो है कोर्ट में ले जाओ, तब जाके जो है कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पनिशिटिव डिटेंशन है, इसमें पूरा प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा, वकील का, कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का। एक आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब मैंने कहा कि कोई जुर्म करने वाला है, या फिर कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट, ध्यान रखना, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर पकड़ा जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता, ड्यू प्रोसेस मतलब लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश प्रोसीजर नहीं होता, ना इसमें आप कोई वकील से मिलोगे। और पहली बात तो यह कि मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, कि अगर किसी को इस लॉ के तहत कैद कर लिया, पकड़ लिया, तो 3 महीने तक उनको रख सकते हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड आएगा, जब तक वो रिपोर्ट नहीं दे कि भाई आगे डिटेंशन और कर दो इनकी, तब तक 3 महीने तक आपको रह सकते हैं। और फिर एडवाइजरी बोर्ड अगर कह दे कि छोड़ दो तो छोड़ देंगे, आगे रखेंगे तो आगे रख लेंगे, आपको कैद में रख लेंगे, ठीक है। और इस बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ये आर्टिकल 22 में आप आराम से पढ़ सकते हैं अपनी पॉलिटी की बुक में, ठीक है। और देखो, पनिशिटिव डिटेंशन में तो मैंने बताया कि बताना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला लॉ है, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, चाहे और भी कानून हो, उनमें जिसको भी अरेस्ट किया गया उसको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि तुमको अरेस्ट क्यों किया गया, अगर वो चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जिसको अरेस्ट किया गया है उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, देनी होगी, कि यहाँ पे वो एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, अपने बयान दे, लेकिन उसको ग्राउंड्स बताना ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ 3 महीने तक कैद करके रख सकते हैं, जब तक एडवाइजरी बोर्ड आगे की जो है प्रोसीजर नहीं बताए, ठीक है। और आर्टिकल 22 में बेसिकली पार्लियामेंट को बहुत सी पावर है, क्योंकि वो ये देख सकता है कि जो कितने लंबे समय तक कोई भी
किसी भी को भी कैद करके रख सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो ये आर्टिकल 22 में जो बातें हैं आप अपने पॉलिटी की बुक में देख सकते हैं, अभी आपको कुछ कुछ ही समझ में आया होगा, तो एक बार रिवीजन कर लेना, जरूरी है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।